गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टोनिसिटी। टोनिसिटी डिस्क्राइब हाउ एनी एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन कैन चेंज। टोनिसिटी डिस्क्राइब करती है एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसे चेंज करती है द सॉल्वेंट ऑफ ए सेल बाय इफेक्टिंग ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसे चेंज करती है इफेक्टिंग ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस है उसे बिना किसी टाइप से इफेक्ट किए। और टोनिसिटी होती है ये तीन टाइप की होती है, हाइपरटोनिक जिसे अतिप्रासरी कहते हैं, दूसरा होता है हाइपोटोनिक जिसे अल्पप्रासरी कहते हैं, तीसरा होता है आइसोटोनिक जिसे समप्रासरी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरटोनिक जिसे हिंदी में अतिप्रासरी कहते हैं। इसमें कॉन्सेंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। इसमें सॉल्यूशन की जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, वो सेल के आउटसाइड सेल के बाहर की ओर कम होती है देन इनसाइड द सेल सेल के अंदर की बजाय। इसका डायग्राम देख लीजिए, हम एक बीकर लेते हैं उसमें एक सेल को रखते हैं और जो ये आसपास में इसमें एक वाटर भर देते हैं जिसमें ये वाटर के अणु दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें एक सेल रख देते हैं सेंटर में, वाटर मॉलिक्यूल पास द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल यानी जो जल के अणु हैं वे पास द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है झिल्ली को पार करके बोथ डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन से दोनों दिशाओं से बाहर जाते हैं। मोर वाटर मॉलिक्यूल गोज आउट ऑफ द सेल, सेल से जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर की ओर गोज रनिंग करते हैं, बाहर की ओर जाते हैं देन एंटर इट। अंदर आने की वजह वो बाहर की ओर ज़्यादा जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल विल श्रिंक, और इसका परिणाम होता है कि जो ये सेल है श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, और जो ये कंप्लीट प्रोसेस है ये एक्सोस्मोसिस कहलाती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हाइपरटोनिक कहते हैं यानी अतिप्रासरी कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सेल है, इसका जो सॉल्वेंट है वो हाई होता है और जो सॉल्यूट होता है वो लो होता है। और ये जो बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ है इसका सॉल्यूट है वो हाई होता है और सॉल्वेंट होता है वो लो होता है। इस सेल में से मूविंग ऑफ ए वाटर फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन देन सेल विल श्रिंक, इसमें से वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो बाहर जाने के बाद जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है। इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, हाइपरटोनिक जिसे अल्पप्रासरी कहते हैं। ये हाइपरटोनिक का बिल्कुल अपोजिट है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। इसमें जो कॉन्सेंट्रेट सांद्रता है सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो सेल के बाहर की साइड ज़्यादा होती है, इनसाइड द सेल सेल के अंदर की बजाय सांद्रता बाहर की ओर ज़्यादा होती है। इसका ये डायग्राम है जिसमें एक बीकर लिया गया है, इसमें एक सेल को रखते हैं बीच में और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल पास इन बोथ डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि जो जल की जो मॉलिक्यूल है पानी की वाटर की मॉलिक्यूल है वो पास इन बोथ डायरेक्शन दोनों दिशाओं से पास अक्रॉस द सेल सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर की ओर आते हैं। बाहर से जो बीकर के बाहर में जो जल के अणु भरे हुए हैं ये सेल की जो मेम्ब्रेन है इसको पार करके अंदर की ओर आते हैं। बट मोर वाटर एंटर द सेल देन गोज आउट इट, सो द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, जो कि सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर से अंदर की ओर ज़्यादा आते हैं, इसकी तुलना में ये बाहर की ओर कम जाते हैं। सेल ड्यू टू विच इन द सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम और स्वेल्स अप, और जिससे कि ये सेल थी जो ब्लू कलर में है और फिर ये जो पिंक कलर में सेल है ये वाटर के मॉलिक्यूल आने से इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ये फूल जाती है। दिस कॉल्ड एंडोस्मोसिस, और जो ये प्रोसेस है ये एंडोस्मोसिस कहलाती है और इस कंप्लीट प्रोसेस को हाइपोटोनिक कहते हैं। इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं जो सेल है ये स्वेल अप हो जाती है, स्वेल यानी फूल जाती है, और जो पहले वाली सेल है उसमें सॉल्वेंट लो होता है और जो सॉल्यूट होता है वो हाई होता है। और ये जो सॉल्यूशन है बीकर में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसे लो सॉल्यूट, इसमें जो सॉल्यूट होता है वो लो होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हाई होता है। मूवमेंट ऑफ ए वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल देन सेल स्वेल, और इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल आने से यह स्वेल हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है यानी ये फूल जाती है। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं आइसोटोनिक है जिसे समप्रासरी कहते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें 100% सॉल्यूट है और 10% सॉल्वेंट है। इसमें वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो इक्वल मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल सांद्रता में रहती हैं। वाटर पास द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, सो द अमाउंट कमिंग इन द सम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, सो देयर इज नॉट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल रिमेन द सेम साइज। यानी कि वाटर पास द सेल मेम्ब्रेन, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन को इस सेल मेम्ब्रेन को पास करते हैं इन बोथ डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन से। सो द अमाउंट कमिंग यानी जो अमाउंट अंदर की सेल के अंदर की ओर आ रहा है इन द सेम वो बिल्कुल सेम है द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर जो बाहर की ओर मॉलिक्यूल जो जल के मॉलिक्यूल है वो सेल से बाहर जा रही हैं उतने ही मॉलिक्यूल उसी मात्रा में जेल के मॉलिक्यूल अंदर की ओर आ रहे हैं सेल से, इसलिए इनकी मात्रा इक्वल रहती है। सेल रिमेन द सेम साइज,
इसी कारण इन दोनों की सेम इस सेल की सेम साइज रहती है, क्योंकि जितने वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर जा रहे हैं। इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, और जो सेल की जो सांद्रता है वो सेम रहती है, इसे आइसोटोनिक कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।